आदित्य कुमार एज अ स्टडिंग सक्सेस के ज्योग्राफी का मेंटर। यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो फोकस होगा मुख्यतः यूपीएससी, जेपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। यूपीएससी प्लस जेपीएससी प्लस एसएससी, इस ज्योग्राफी के पोर्शन में ओवरऑल ज्योग्राफी का सिलेबस को कवर किया जाएगा, जिसमें आपका कंटेंट हाईली एनसीईआरटी बेस्ड, ऑथराइज्ड होगा, ऑथेंटिक होगा। ओवरऑल ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो मुख्यतः इसमें चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल ज्योग्राफी, सेकेंड है फिजिकल ज्योग्राफी, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लास्ट वन सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। ये मुख्यतः यूपीएससी, जेपीएससी और स्टेट पीसीएस के हॉल ऑफ सिलेबस को मुख्यतः इसी में कवर किया जाएगा। अब इसमें हम देखें कि जनरल ज्योग्राफी का जो कंटेंट है, इस जनरल ज्योग्राफी को आगे भी हम लोग कुछ पार्ट में कैटेगराइज करे हैं, तो उस आगे के पार्ट को हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है जनरल ज्योग्राफी में। जनरल ज्योग्राफी में मुख्यतः तीन पार्ट को क्लासीफाई किया गया है। एक है जियोमोर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, सेकेंड वन इज क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, थर्ड वन इज ओशियोनोग्राफी, दैट इज समुद्र विज्ञान। जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये तीन टॉपिक हमने क्लासिफाई किया है। अब इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भी हम लोग चार से पांच टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आता है अंतर्जात एंड बहिर्जात बल, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, सेकेंड वन इज भूकंप, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, एंड थर्ड वन इज जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी को अर्थात जलवायु विज्ञान को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, सेकेंड है आपका ताप व दाब कटिबंध, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट,
इसी के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मानसून। इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये यूपीएससी प्लस जेपीएससी का इम्पोर्टेंट है मेंस के टॉपिक के लिए, फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट टॉपिक वाताग्र एवं वायु राशि, फ्रंट एंड एयर मास। बिल्कुल उसी तरह से ओशियोनोग्राफी को हम आगे बढ़ते चलेंगे टॉपिक वाइज। देखते हैं आगे क्या है ओशियोनोग्राफी में। ओशियोनोग्राफी का जो पहला टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तीन महासागरों का क्षेत्रीय विश्लेषण। क्षेत्रीय विश्लेषण, वो कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, थर्ड वन इज हिंद महासागर। इंडियन ओशियन ये हमारा जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक कवर होंगे। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के विषय में आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग मुख्यतः इसमें दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो आ जाएगा आपका वर्ल्ड का फिजिकल एंड इंडिया फिजिकल। और एक एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ सकते हैं झारखंड फिजिकल, झारखंड फिजिकल ज्योग्राफी स्टार मार्क, चूंकि ये झारखंड के लिए है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड फिजिकल के अंतर्गत हम लोग इसको जो सात कंटिनेंट है एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट अंटार्कटिका, इस सेवन कंटिनेंट का वर्ल्ड फिजिकल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मेन पहाड़ क्या है, पर्वत, जल संधि, सागर, द्वीप, जल संधि स्ट्रेट, द्वीप आइलैंड। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया फिजिकल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। एक आ गया भारत का भौतिक विभाजन, इसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड इसमें विविध विविध के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट फैक्ट उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये जो भारत का भौतिक विभाजन है
चाहे वो यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या एसएससी हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80-90% भारत का भौतिक विभाजन से आता है। यदि हम इसका एलेबोरेट करेंगे, आगे विश्लेषण करेंगे, तो इस टॉपिक को मुख्यतः 6 से 7 भागों में डिवाइड किया गया है। हम इसका आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको किस भाग में डिवाइड किया गया है। चलिए, पहला नंबर उत्तर भारत, उत्तरी हिमालय, क्षेत्र, इसी में आपका सेकंड टॉपिक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। थर्ड टॉपिक है थार प्रदेश, थार रीजन, फोर्थ टॉपिक है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। फिफ्थ वन है पश्चिमी एवं पूर्वी तट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। सिक्स नंबर का जो है द्वीप समूह, द्वीप समूह, आइलैंड्स। अब ये जो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहीं पे आगे नहीं रुकेंगे, इसके आगे क्लासिफाई किया जाएगा कि उत्तर हिमालयी क्षेत्र है उसको किस तरह से उसका विभाजन किया गया है, उसका फिजिकल फीचर्स क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, थार प्रदेश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, इसका क्या महत्व है, और दक्कन का पठार, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंतर्गत 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा बाइफर्केट करके देखा जाए तो, एक उच्च भूमि और एक हो गया दक्षिण का पठार, दक्षिणी पठार। उसी तरह से द्वीप समूह, द्वीप समूह के अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, एक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसका क्लासिफिकेशन के लिए, इसके आगे और भी डिस्कस होगा, नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, मुख्यतः ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, व्यापार, ट्रेड को व्यापार, ट्रांसपोर्ट परिवहन, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित, कम्युनिकेशन संचार। ये 4 टॉपिक है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो कृषि का मुद्दा चल रहा है इस टॉपिक पे बेस्ट है, यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिकेशन। सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे डेमोग्राफिक पोजिशन ऑफ इंडिया,
बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, जेपीएससी पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए फोकस है। अब हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उत्तरी हिमालय क्षेत्र। फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक ओवरऑल व्यू देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग एक मैप के द्वारा अध्ययन करते हैं। ये जो है उत्तरी हिमालय क्षेत्र, उत्तरी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका है, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज, इस पोर्शन से लेके आपका उत्तरी हिमालय का क्षेत्र ये पूरा कवर है, हो रहा है रेडिएट पोर्शन। सेकेंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान आपका इस पोर्शन से लेके यहाँ तक इसको डिवाइड किया गया है, असम वाला भी पोर्शन इसमें इंक्लूड है। थर्ड है थार प्रदेश, राजस्थान वाला एरिया। फोर्थ है दक्कन प्लेट्यू, ये पोर्शन दक्कन का पठार। नेक्स्ट है पश्चिमी एवं पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। द्वीप समूह, ये आपका लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये जो सीडिंग सक्सेस क्लासेस है, ये इतना ही पे नहीं रुकेगा, ये आपका आगे इसके फिजिकल डिवीजन को, उत्तर हिमालय का क्षेत्र है इसके आगे क्लासिफिकेशन करेगा विथ मैप, मानचित्र का अध्ययन करते हुए, जिसमें कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का कंटेंट इसमें होगा, कहीं से भी किसी भी तरह का डाउट नहीं। और एक एग्जांपल के लिए हम लोग इसी को आगे बढ़ते हैं, उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, इस पोर्शन को हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, इसका नाम द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ में आ गया आपका द्वीप समूह। फर्स्ट वाला पोर्शन का हम लोग अध्ययन करते हैं। में से फर्स्ट वाला
हिमालयी क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र का भौतिक विभाजन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयन रीजन इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमारे दो महोदय जी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण किया है। पहले हैं वाडिया महोदय जी। वाडिया महोदय एंड सेकेंड है सिडनी उर्राड महोदय। वाडिया महोदय का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन करने का आधार था वो मुख्यतः था वर्टिकल बेसिस, ऊर्ध्वाधर जबकि सिडनी उर्राड महोदय का था क्षैतिज विभाजन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन वर्टिकल बेसिस का मतलब हुआ कि जो हिमालय का पोर्शन था उत्तरी हिमालय का क्षेत्र इसको उन्होंने वर्टिकली डिवाइड करके बताया कि इसका क्षेत्रीय विभाजन कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः चार पांच तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसको क्लासिफाई किया। पहला तो बताया ये जो आपका नंगा पर्वत पर्वत ये राकापोशी पर्वत इस पॉइंट के आधार पर उन्होंने उत्तरी हिमालय क्षेत्र को विभाजन किया। विभाजन को देखते हैं पहला विभाजन सेकंड विभाजन थर्ड विभाजन। अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाडिया महोदय ने आखिर इस चीज़ को जो वर्टिकली डिवाइड किया है डिवीज़न किया है वो उसके क्या आधार थे इसके क्या महत्व थे। इसको उन्होंने सबसे पहले नाम दिया ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय वृहद हिमालय सेकेंड में नाम दिया मिडिल हिमालय मध्य हिमालय इसको एक और नाम है लघु हिमालय। ये जो थर्ड वाला पोर्शन है वाडिया महोदय ने इसका नाम दिया लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय
विधत हिमालय का एक और नाम है हिमाद्री, एक और नाम है महान हिमालय। अब ये जानना के प्रयास करेंगे कि वृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या भौतिक विभाजन में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा है और इसका विभाजन किया है, इसको एक हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ग्रेटर हिमालय, इस पॉइंट को हिमालय का जो विस्तार है, उत्तरी हिमालय का विस्तार ये है। वाड़िया महोदय ने, इन्हें बोला इसके उत्तर उत्तरी साइड में, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तिब्बत है, उन्होंने पाया कि जो उत्तरी हिमालय है यानी कि ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इसके उत्तरी क्षेत्र में काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, इन्होंने ये जो है इसको बाहरी हिमालय बोला। ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है इस हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन होगा आपका भू आकृतिक विज्ञान में, भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ पे डिस्कस करेगा ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना कैसे है उस जगह पे। अब इस वाड़िया महोदय ने इस ग्रेटर हिमालय के और मिडिल हिमालय इसके बीच में एक उन्होंने फॉल्ट पाया। फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश, इसको उन्होंने नाम दिया एम सी टी, स्टैंड फॉर मेंस सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद उन्होंने मिडिल और लेजर हिमालय, क्योंकि ये लेजर हिमालय असममित है, असममित का मतलब डिसकंटिन्यू है, इसके वजह से ये डिसकंटिन्यू को मैंने दिखा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से होते हुए मणिपुर होते हुए आगे चला गया है, आप देखेंगे म्यांमार को होते हुए अराकान योमा, फिर इसके आगे यही इसी का विस्तार आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पाया गया है। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, इसके बीच में एमसीटी नाम दिया। अब मिडिल हिमालय और लेसर यानी कि शिवालिक हिमालय, इसके बीच में भी एक फॉल्ट पाया गया, उसको वाड़िया महोदय नाम दिया HBT। और लेजर हिमालय के बाद एक और फॉल्ट पाया गया, उसका नाम दे दिया HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। फॉल्ट का एक्चुअली मतलब होता है भ्रंश।
अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि MCT, SBT एंड HFF इसका क्या मतलब होता है और ये आखिर वाड़िया महोदय ने इसको क्या स्पष्ट किया है। इन्होंने सबसे पहले इसे समझाने के लिए बोला कि ये तिब्बत है, ये तिब्बत का एक्चुअली में ये तिब्बत का पठार है। ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका समतल भूभाग है। इसको उन्होंने नाम दिया है सिंधु सांगपो सुचर जोन। ये आखिर सिंधु सांगपो सुचर जोन होता क्या है? ये एक्चुअली सिंधु सिंध नदी को और सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर सिंधु सांगपो सुचर जोन नाम दिया गया है। अब इसके बाद उन्होंने इस तथ्यों को समावेश किया, ये जो तिब्बत का पठार है इसके जस्ट इन्होंने जो वर्टिकल डिवीजन किया था ना, वर्टिकल डिवीजन का मतलब हुआ कि नॉर्थ साइड से लेके साउथ साइड में इसका विभाजन, एक ये इसको उन्होंने बोला ग्रेटर हिमालय, यह है आपका मिडिल हिमालय। एंड लास्ट वन इज शिवालिक हिमालय। उन्होंने ये जो फॉल्ट का नाम लिया था, एक्चुअली ग्रेटर और मिडिल हिमालय के बीच में एक फॉल्ट पाया गया, मिडिल और शिवालिक के बीच में एक फॉल्ट, और शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में एक फॉल्ट पाया गया। इसको उन्होंने नाम दिया था MCT, MBF, HFF, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। यहाँ पे ये तथ्य थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि आखिर ये थ्रस्ट फॉल्ट इसका क्या मतलब होता है। नॉर्मल जो भ्रंश होता है नॉर्मल भ्रंश का मतलब हुआ कि कोई भी दो विशेष स्थलखंड जब उसके बीच भाग से या किसी भी एक तरह से उसका चटकन जिसको बोलते हैं टूटना फूटना एक निश्चित दिशा की ओर होता है तो वो भ्रंश कहलाता है। लेकिन यदि यही भ्रंश उल्टी दिशा में हो तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, दैट इज रिवर्स फॉल्ट।
ये जो तीनों है ना, MCT, MBF एंड HFF, ये तीनों विक्रम भ्रंश का उदाहरण है। विक्रम भ्रंश का मतलब हुआ कि हिमालय की उत्पत्ति तो एक निश्चित दिशा में ऊपर की ओर हो रही है, लेकिन जो MCT, MBF और HHF उसका जो विस्तार है उसके जस्ट ऑपोजिट में हो रहा है, इसके वजह से इसको उन्होंने व्यतिक्रम भ्रंश कहा। ये आपका वाडिया महोदय का था। अब नेक्स्ट देखते हैं सिडनी उडार्ड महोदय का, क्या उसका वर्गीकरण का आधार था। क्षैतिज विभाजन, सिडनी उडार्ड महोदय का, इन्होंने क्षैतिज विभाजन के लिए जो आधार माना उनका आधार था नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर उनका क्षेत्रीय विश्लेषण किया ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। सिडनी उडार्ड महोदय का जो डिवीजन है उसको समझने के लिए एक मैप के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। ये एक्चुअली आपका भारत का ही पोर्शन है। उन्होंने जो नदियों का या वो सिंधु और ये ब्रह्मपुत्रा, इस दो नदियों का आधार माना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया था यहाँ पे एक राकापोसी है, नंगा पर्वत है और यहाँ पे नामचा बरवा एक पर्वत है जिसके वजह से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है। अब इस नदियों के विभाजन के लिए उन्होंने सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता तीन महत्वपूर्ण नदियों का नाम लिया। कौन कौन? सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ये ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदियों के आधार पर उन्होंने क्षेत्रीय विश्लेषण किया, क्षैतिज विश्लेषण का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टली। अब सिंधु से सतलज के बीच का विश्लेषण, सतलज से काली तक का विश्लेषण, काली से तिस्ता तक का विश्लेषण और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का विश्लेषण, इसको उन्होंने इसकी माप भी की, जो कि JPSC का यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इन नदियों का जो विश्लेषण किया आखिर इसका विस्तार क्या है, इसको उन्होंने 800 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, सिंधु से सतलज के बीच 560 किलोमीटर और सतलज से काली के बीच 320 किलोमीटर का एक माप किया और इस बेसिस पे उन्होंने 36 विभाजन किया हिमालय का। अब इसके आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंधु और सतलज के बीच में इसके क्या क्या वो भौतिक चीज़ें, वो फिजिकल फीचर्स हैं जिसको कि सिडनी उडार्ड महोदय ने यहाँ पे अलग से किया, उसी प्रकार से इसका एक और नाम दे दिया गया पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, कुमायूं हिमालय,
नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन्होंने इसके आगे भी विस्तार किया कि ये जो सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, इसके अंतर्गत कौन कौन से वो भौतिक चीज़ें हैं जो इस आधार पे क्षैतिज विभाजन किया। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पर्वत श्रेणी में कौन कौन सा है ये देख रहे हैं आपका पंजाब हिमालय का। काराकोरम, ये वाले जो रेंज है ना काराकोरम, उसके जस्ट नीचे लद्दाख, जास्कर, और यही जास्कर के आगे का विश्लेषण जो है आगे कैलाश रेंज के रूप में आगे विस्तृत हो गया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय के अंतर्गत उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। इस पर्वत श्रेणी के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे दर्रों को उन्होंने दर्रा यानी कि पासेज का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन के लिए बनाया गया स्थान, दर्रा पासेस। इस पंजाब हिमालय के अंतर्गत उन्होंने जो पासेज बनाए वो बनिहाल, जोजिला, वुरजिल, पीर पांजाल, इसका लोकेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। ये है आपका जोजिला, पीर पांजाल, बनिहाल, उर्जिल, सिप किला, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, सिप किला दर्रा, जोजिला, बनिहाल, बनिहाल का एक और नाम है ज्वाहर सुरंग, ज्वाहर ट्यूनल, पीर पांजाल, और एक और तथ्य यहाँ पे इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने पंजाब हिमालय के अंतर्गत देखा कि कुछ हिल स्टेशन भी हैं, हिल स्टेशन को भी क्लासिफाई किया, जैसे कि कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में रानीखेत, चेल, अल्मोरा, ये एक्चुअली हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थल, स्वास्थ्यवर्धक स्थल। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कुमायूं हिमालय के भी महत्वपूर्ण फिजिकल फीचर्स में ठीक पर्वत श्रेणी, दर्रा, उसी प्रकार से हिल स्टेशन का वर्गीकरण किया। तो देख लेते हैं कि कुमायूं हिमालय में किस प्रकार से उन्होंने दर्रा पर्वत श्रेणी का वर्गीकरण किया।
यहाँ से लेके सतलज से लेके काली नदी तक कुमायूं हिमालय का, इसके लिए उन्होंने दो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पाया, वो था यहाँ पे उत्तराखंड में दो, एक नंदा देवी और एक कामेत। उसी प्रकार से काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, जो कि जेपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, ये जो नेपाल वाली पोर्शन है ना, काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में ये वाला पोर्शन, नेपाल का पोर्शन, यहाँ पे देखिए उन्होंने पर्वत श्रेणी के रूप में क्या क्या पाया, मुख्यतः छः। और एक सिक्किम के पास धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और लास्ट में मक्कालू। ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, अभी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इसका जो पहले ऊंचाई मापा गया था वो था 48 मीटर, लेकिन अभी रिसेंटली इसका ऊंचाई में कुछ वृद्धि पाया गया है, 48 पॉइंट, ये करंट न्यूज़ में है। और एक सिक्किम के पास ये कंचन जंगा, ये नेपाल हिमालय का दर्रा। अब है असम हिमालय। असम हिमालय के अंतर्गत उन्होंने जो पर्वत श्रेणियों का विभाजन किया उसको एक विस्तार में देखते हैं। ये है हमारे असम हिमालय का क्षेत्र, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसको नॉर्मली बोलते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने जो मेघालय का है, गारो, खासी, जयंतिया, इसको उन्होंने सबसे प्रमुखता दिया। गारो, खासी, जयंतिया, फिर अरुणाचल प्रदेश का ये जो है ना, हिमालय का ही आगे का विस्तार है। मिसमी, अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल, मिजो हिल, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, और यहाँ पे 3 से 4 और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी का नाम है। ये असम का पोर्शन में यहाँ एक गांठ पाया जाता है, गांठ का अर्थ होता है नॉट, KNOT, गांठ, इसका नाम है बरेल गांठ। ये गांठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस नॉट से उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और एक दक्षिण की तरफ 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है। एक और यहाँ पे है मिकिर हिल, ये बरेल रेंज,
ठीक उसी प्रकार से पर्वत श्रेणी तो मिल गया, लेकिन वुर्राड महोदय ने कुछ दर्रों का भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी कि असम हिमालय के क्षेत्र में कुछ दर्रों का भी उन्होंने जिक्र किया। वो दर्रे थे सबसे पहले यहाँ पे बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, फिर था असम दर दीफू, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही है। ये था सिडनी वुर्राड महोदय का क्षैतिज विभाजन। अब आने वाले दिनों में ये आपके जो सीडिंग सक्सेस क्लासेस हैं, जितना भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया था उसका आगे एलैबोरेट किया जाएगा, विस्तृत इसका विश्लेषण किया जाएगा, उसका कंटेंट इंग्लिश प्लस हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सीडिंग सक्सेस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।